काफी कुछ काम किया, लेकिन कुछ लोगों से जब हमने बातचीत की है और कुछ लोग झूठ बोल रही हो, मुझे कहना था मैंने दे दिया। देखिए शांति धारीवाल जी कैसे अशांत हो उठे। देखिए सवाल भी पूरा नहीं हुआ कि राजस्थान तक की रिपोर्टर को आंखें दिखाते हुए पूरे तैश में आगे बढ़ते दिखे, जबकि रिपोर्टर ने कोई ऐसा सवाल भी नहीं किया था जो धारीवाल जी को बुरा लगने वाला हो। शायद धारीवाल जी बात को सुने बगैर ही अपना आपा खो बैठे और गुस्से में आगे बढ़कर राजस्थान तक का कैमरा ही बंद करवा दिया। इस बार क्या लगता है कोटा में? ठीक है, तो लगता है यहाँ पे शांति धारीवाल जी कुछ भी बोलने से कतराते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने अशांति बनाई हुई है और वो मीडिया से बातचीत करते हुए जो है पूरी तरह से कतराते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि लोगों का कहना है काफी कुछ काम किया, लेकिन कुछ लोगों से जब हमने बातचीत की है और कुछ लोग झूठ बोल रही हो, आखिर धारीवाल जी को इतना गुस्सा क्यों आता है? राजस्थान तक की रिपोर्टर तो बस यही बता रही थी कि शांति धारीवाल ने इतना काम किया है तो फिर उनके काम पर जनता का कैसा रिस्पांस रहेगा। बस इतनी सी बात पर शांति जी अशांत हो गए। ऐसा लगा मानो आगे बढ़कर धक्का ही मार देंगे, लेकिन गनीमत रही कि कैमरा बंद करवा कर ही छोड़ दिया। काफी कुछ काम किया, लेकिन कुछ लोगों से जब हमने बातचीत की है और कुछ लोग झूठ बोल रही हो, जितना मुझे कहना था मैंने दे दिया। अब आपको पूरी बात सुनाते हैं। शांति धारीवाल से शांतिपूर्ण तरीके से बात शुरू हुई और महज कुछ ही सेकंड में शांति धारीवाल अशांति धारीवाल में कैसे तब्दील हो गए। राजस्थान तक आ पहुंचा है कोटा, जहां पर हम हैं कैबिनेट मिनिस्टर शांति धारीवाल जी के साथ में, और इन्होंने कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली है। शांति धारीवाल जी हमारे साथ में। शांति धारीवाल जी, सबसे पहले आपको डेरो बधाया, जोशी जी का पत्ता कटा, राठौड़ जी नप गए, आपको मौका मिला। क्या आपको फिर से टिकट में मौका मिला, क्या कहेंगे? काम किया है, काम करेंगे, जनता की सेवा करेंगे, शहर का विकास और जो बाकी रह गया वो करेंगे। कई राजस्थान सरकार की जो योजनाएं चालू हुई हैं उनको पूरा लागू करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, यहाँ पर शांति धारीवाल जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं और साथ ही यहाँ पर जैसा एक मिनट यहाँ पर जैसा कहा जा रहा है कि कोटम शांति धारीवाल इतने अशांत क्यों है, क्या लगता है कोटम इस बार किस तरह की फाइट होगी? देने दो मुझे इनको। जी, इस बार क्या लगता है कोटा में? ठीक है, तो लगता है यहाँ पे शांति धारीवाल जी कुछ भी बोलने से कतराते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने अशांति बनाई हुई है और वो मीडिया से बातचीत करते हुए जो है पूरी तरह से कतराते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि लोगों का कहना है काफी कुछ काम किया, लेकिन कुछ लोगों से जब हमने बातचीत की है और कुछ लोग झूठ बोल रही हो, जितना मुझे कहना था मैंने दे दिया। शायद इस बार शांति धारीवाल को अपनी चुनावी राह मुश्किल लग रही होगी, क्योंकि लास्ट मोमेंट पर टिकट जो फाइनल हुआ है, सामने बीजेपी वाले गुंजल गरज रहे हैं, अपने जिंदाबाद के नारे लगवाने के लिए भी धारीवाल को किराए के मजदूर लाने पड़ रहे हैं। अब धारीवाल जी की उम्र भी 80 के करीब पहुंच चुकी है, अब उम्र के इस पड़ाव पर इतनी दुश्वारियां एक साथ होंगी तो गुस्सा तो आएगा ही। राजस्थान तक के लिए कोटा से नूपुर जारोली की रिपोर्ट।